नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास वही 29 इंच की सैमसंग की टीवी आई हुई है, तो हमने इसको रिपेयर कर दिया था, लेकिन पार्ट टू वीडियो हमने इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ लाइनिंग आ रही थी वर्टिकल सेक्शन से, तो आज हम इस वीडियो में उस सही करेंगे इस फॉल्ट को। तो चलिए देखते हैं आखिर ये समस्या कहाँ से है और कैसे है, और इसी तरह की नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आपको सबसे एक बार अपना फॉल्ट दिखाते हैं। तो फॉल्ट आप देख ही रहे हैं, ठीक है, मैंने चला के रखा हुआ है। ऊपर साइड ये देख सकते हैं लाइनिंग सब बन रही है इतनी सारी। तो हालांकि मैंने बताया था कि ये कोई कैपेसिटर से है, लेकिन आज हम इसको जो है खोज लेंगे आखिर कहाँ से है ये, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं अपने स्टैंड को, चलिए हो गया। और टीवी को हम कर लेते हैं उस साइड क्योंकि हमको सर्किट को प्लट कर रिपेयर करना है। तो मेहनत फिर से जा रही है अपनी, तो ठीक है जी, हमने इसको पलटा और फिर से इसको निकालेंगे बाहर। और कुछ जैक वगैरह हैं इसके, इसको मैं निकाल लेता हूँ। और वर्टिकल सेक्शन अपना यही रहा पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वर्टिकल आईसी है, तो समझ लीजिए इसके चारों तरफ वर्टिकल सेक्शन है ये, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कोई कैपेसिटर ही लीकेज होगा मेरे हिसाब से, जिससे ये दिक्कत कर रहा है। अगर देखने से मालूम हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम होगा तो आपको कैपेसिटर पे कैपेसिटर लगाकर चेक करना होगा, ठीक है, क्योंकि लीकेज वाला मैटर दोस्तों ये, ठीक है। इसको मैं साफ़ कर ले रहा हूँ ताकि काफ़ी अच्छी तरह दिख जाए, ठीक है। तो कैमरे को एडजस्ट करते हैं और अपना हम फॉल्ट खोजना स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर कर ये फॉल्ट अपना देखने को मिलता है 135 नॉर्मल टीवी में 135। तो यहाँ पर देखते हैं कितने कितने नंबर का कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर 150 मिल गया है एक हमको, लेकिन देखने में लग नहीं रहा है कि ये लीकेज होगा। और एक इधर है, हो सकता है कि दोस्तों कैपेसिटर हो लेकिन पिन ड्राई हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं क्योंकि मैंने ड्राई काफ़ी ज़्यादा किए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे कि ड्राई होने का मैटर है यहाँ पर। तो कैपेसिटर पे कैपेसिटर लगाकर चेक करेंगे। तो 50 वोल्ट तक का कैपेसिटर हम लेते हैं एक, 50 वोल्ट तक देखता हूँ। तो ये अपने पास एक रहा 160 का है, 50 वोल्ट, तो ये 87 mW का नहीं 82 mW का 100 वोल्ट में है, ठीक है। इसको मैं लगा के एक बार चेक करूँगा, वैसे ही ऊपर से वैसे इसको हम जो है कि लगाएंगे कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटर। तो हालांकि मैं यहाँ डिस्प्ले पर तो नहीं देख पाऊँगा क्योंकि काफ़ी दिक्कत है, तो मैं टीवी को थोड़ा सा तिरछा करता हूँ और देखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। टीवी को मैंने घुमा लिया है और अपना टीवी लगा देते हैं हम पावर में। टीवी लग चुकी है, ऑन हो गई है, और कुछ कैपेसिटर वर्टिकल सेक्शन से जो है कि देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर लगे हुए हैं। लाइनिंग अभी भी ऊपर से बन रही है, वो जो बन रही थी शीशे में मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों। एक यहाँ पर कैपेसिटर है कि माइनस प्लस इसका देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ अपना मल्टीमीटर लगा लेता हूँ, क्योंकि माइनस प्लस का पीसीबी के पीछे निशान नहीं बनाया है इन्होंने। मल्टीमीटर ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद एक वायर अपना ग्राउंड पे रख दूँगा, ठीक है, और दूसरा वायर यहीं पर लगा के चेक करूँगा इस कैपेसिटर पर। तो ये 17 वोल्ट, ये 13 वोल्ट, ये क्या दोनों पे आ रहा है? अच्छा ये रेजिस्टेंस है, फिल्टर किधर गया? 17 वोल्ट माइनस, ये भी तो फिल्टर ही है, निशान तो उसी का है। देखते हैं माइनस प्लस का निशान किस तरफ है, माइनस अंदर की तरफ है, ये रहा इस तरफ माइनस और इस तरफ प्लस। तो लगा के देख लेते हैं इसको ऊपर से ऐसे,
जी दोस्तों, सही हो जा रहा है फॉल्ट अपना। तो ये वाला कैपेसिटर जैसे ही मैंने इस पे लगाया, तो देखिए मैं इसको जोड़ देता हूँ। नहीं जोड़ूंगा नहीं, आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्प्ले को सेट करता हूँ, मतलब कैमरे को आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ऊपर लाइनिंग, वहाँ देखिए ये लाइनिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक है, ये लाइनिंग है, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ तो देखिएगा लाइनिंग गायब हो जाएगी, गायब हो चुकी है। ठीक है, और लाइनिंग आ चुकी है, मतलब ये कैपेसिटर का ही मैटर है। तो इसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, कौन सा कैपेसिटर यहाँ पर, अब ये देखिए कहाँ पर लगा है। ठीक है, इस कैपेसिटर को हम यहाँ से निकालते हैं, तो क्योंकि ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये जगह इसका है। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं यहीं से। मैं कह रहा हूँ निकल क्यों नहीं पा रहा है, तो निकला ये। निकल गया, होल क्लियर कर लेते हैं इसका। अब ये भी देखिए देखने में नहीं लग रहा है खराब होगा, देख सकते हैं 50 वोल्ट 100 mW में है, और देखने में लग नहीं रहा खराब होगा, जरा सा भी लीकेज इसमें नहीं है। ये देख सकते हैं लीकेज इसमें जरा सा भी नहीं जैसे लग रहा है। लेकिन अभी इसमें हम एक नया लगाते हैं 150 का, तो फिर लगाने के बाद देखेंगे रिजल्ट कैसा निकलता है। तो ये वाला कैपेसिटर अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो पुराना जो है कि अगर लगाना चाहते हैं, तो ये आपको उसमें एलईडी की पावर सप्लाई मिल जाएगा। ये जो अपना एलईडी बल्ब होता है उसमें आराम से मिल जाएगा 150, यहाँ पर 47 120, तो कोई सा भी मैं के निकाल लेता हूँ 8200, 4.7। ये सब मार्केट से लाए हुए सर्किट हैं, तो इसमें नहीं मिल रहा है हमको। ये देखिए मिला एक 100 μF का 63 वोल्ट में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा। अभी कंपनी का लेते हैं आप, तो उसमें पुरानी वाला सर्किट तो उसमें आराम से मिल जाता, हालांकि नई है तो मैं ख़राब कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय कैपेसिटर ये वाला नंबर है नहीं। कितना नंबर रखा जाए दोस्तों, इतना नंबर है कि परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो हालांकि सब लाए थे लेकिन ख़राब हो, मतलब तो ख़त्म हो चुका है इसमें। इसको लगा लेते हैं माइनस प्लस का निशान देखकर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ही हमने लगाया, देखिए कहाँ पर था ये देख लीजिए एक बार, यहाँ पर है ये बिल्कुल। ठीक है, इसको लगाया मैंने, और सोल्ड कर देते हैं। ठीक, एक बार फिर वैसे ही चेक कर लेते हैं, बिना इसमें हम कोई भी सॉकेट लगाए, डायरेक्ट बस वीडियो लगाकर, मतलब पावर लगाकर। तो इसको लगाने जा रहे हैं पावर में हम लोग। ये देखिए यहाँ से लगाते हैं पावर को, टीवी ऑन हुई और डिस्प्ले पे चलते हैं, तो देखेंगे लाइनिंग ये ऊपर जो आ रही थी अपने यहाँ पर, ये लाइनिंग अब आती है या नहीं। तो डिस्प्ले आए तो फिर मालूम हो, डिस्प्ले तो अभी नहीं आया, तो आ चुका है डिस्प्ले और लाइनिंग गायब है। वैसे क्या होता था कि पहले तो डिस्प्ले आ जाता था, मतलब पहले लाइनिंग आती थी फिर डिस्प्ले आता था, उस तरफ देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ भी, लेकिन आगे से लाइट आ रही है मतलब बाहर की तरफ से, तो दिख नहीं पा रहा है उतना क्लियर, लेकिन अपना ये फॉल्ट क्लियर हो चुका है। और इसको हम आपको दिखाते हैं चलाकर, बस इस सर्किट को करते हैं थोड़ा सा अंदर, इसकी पीसीबी को लगा देते हैं इसके साँचे में, आराम से दोनों तरफ से इसको दबाएंगे तो बिल्कुल आराम से चला जाता है।
ठीक है। ठीक है, ये लग चुका है। इसका ये जैक भी लगा देते हैं हम लोग। बस ओके है, बस एक बार चेक करके इसको पैक करना है। अब हमको ये बॉडी में लगेगा, इसको हमने निकाला था काफ़ी मुश्किल से। तो डिस्प्ले पे आ चुके हैं हम लोग, और एक बार फिर से लगाते हैं पावर में और देखते हैं। ठीक है, पूरी ऊपर से मैंने आपको दिखा रहा हूँ, अगर लाइनिंग होगा तो ऊपर ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं, देख लीजिए आप सब। लाइनिंग अभी तक नहीं आई है। पहले क्या होता था कि पिक्चर आने से पहले लाइनिंग आ जाती थी, वीडियो नहीं आया है लेकिन लाइनिंग भी नहीं आई है। तो वीडियो का शायद मेरे हिसाब से लीड इसका यहाँ बैक साइड से छोड़ दिया होगा। तो आ चुका है वीडियो, देख सकते हैं लाइनिंग गायब हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो अपना फॉल्ट ओके हो चुका है और टीवी बिल्कुल सही हो चुकी है। तो इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और हम इसी तरह का आपको वीडियो देते रहेंगे लगातार कंटिन्यू। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।